बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब ठीक होंगे। सबको रमज़ान क्या 11वें रोज़े की जो इफ्तारी बहुत बहुत मुबारक हो। आज जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो सिंपल तोरियां हैं। आज सब्ज़ी बना रही हूँ मैं, ये तोरियां हैं। मैंने 1 kg तोरी ले ली है और 1/2 टीस्पून मेरे पास नमक, 1.5 टीस्पून जो मेरे पास लाल पिसी मिर्चें हैं, 1/4 टीस्पून मेरे पास हल्दी है, 3 मैंने यहाँ पे साबुत मिर्चें ली हैं, 1.5 छोटी स्मॉल साइज़ के मेरे पास प्याज हैं, छोटा सा टुकड़ा मेरे पास अदरक का है और 1 बड़ा टमाटर है। और मैं इसके साथ सिंपल इजी क्विक तोरियाँ आपके साथ शेयर करूँगी। मैं इसकी तैयारी आपके साथ शेयर करती हूँ। ये प्याज ब्राउन करने के लिए अब मैंने रखते हैं, बिल्कुल ये लाइट साइड से होंगे, तो साथ ही मैं इसमें मसाले मिक्स कर दूँगी। और इसमें मैं इतने मिर्च मसाले जो हैं वो यूज़ नहीं कर रही, सिर्फ नमक मिर्च और हल्दी है। और लहसुन भी नहीं है। ये लाइट सा इसका कलर आना शुरू हो गया। अब मैं इसी वक्त इसमें मिर्ची और नमक शामिल कर दूंगी। थोड़ा सा इसमें पानी डाल दूंगी। अब जो मैंने टमाटर 1 बड़ा रखा था वो भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी। अब मैं इसको भूनने के लिए, गलने के लिए ढक के रखूँगी ताकि ये हो जाए, तो फिर इसमें मैं जो है तोरी शामिल करूँगी। अब हम इसको ढक के देखेंगे। टमाटर के छिलके हैं ये आराम से उतरेंगे। अगर हम फ्रेश टमाटर जो लेते हैं फ्रीज़ किए बगैर, उनको ऐसे 4 पीसेस करके डाल दें तो वो ईज़ीली इसका जो है छिलका उतर आता है। इसका पानी खुश्क हो जाएगा फिर हम इसमें तोरियां शामिल कर लेंगे। ये अब मसाला जो है बिल्कुल भून गया है, अब इसमें हम तोरियां शामिल कर लेंगे। अब मैं इसको थोड़ा सा भून लूँगी क्योंकि ये पानी तो हमने इसमें डालना नहीं है, तो ये थोड़ा सा भून जाएंगी फिर मैं इसको ढक के दम पे रख दूँगी और ये दम पे बन जाएंगी। ये अब आप देख सकते हैं कि काफ़ी खुश्क हो गया है पानी, ये अपने ही पानी में पकेगी, तो मैं इसको स्लो हीट पे रख लूँगी। जैसे ही ये तैयार हो जाएगी तो फिर मैं आपको दिखा दूँगी। इसको मैं ढांक के स्लो हीट पे रख लूँ, फिर ये थोड़ी देर में तैयार हो जाएगी तो मैं आपको दिखाऊँगी।
अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। तोरियाँ जो हैं हमारी रेडी हैं और मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। जी फाइनली आज की हमारी जो मेन डिश है तोरियाँ वो हमारी तैयार हैं, जो बिल्कुल सिंपल हैं और मैंने आपके साथ शेयर की हैं। आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा और मुझे फिर कमेंट्स में आप बता सकते हैं। आपने अगर कुछ पूछना हो या मुझे कुछ सजेशन करना हो, मैं आपके कमेंट्स का वेट करूंगी। और अगर आपको पसंद आए तो आप लाइक कीजिए, ज़्यादा पसंद आए तो सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।